आज का वचन कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो जो तुमसे बैर करते हैं, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दें, और जो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु करुणा और दया का प्रतीक है। पुराने विधान में जो नियम कहते थे उसके अनुरूप न रहते हुए उसके स्थान पर प्रभु यीशु ने नया नियम दिया है। शत्रुओं से प्रेम करना है, शाप देने वालों को आशीर्वाद देना है, और जो आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते उनके लिए प्रार्थना करना। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, आप लोग ईसा मसीह का मनोभाव अपनाएं। इस मनोभाव को अपनाते हुए आइए इस क्रिसमस काल में हमारे जीवन को परिवर्तित करें, और हम सच्चे इंसान बने और सच्चे क्रिश्चियन बने।